अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो आज जा रही हूँ मैं शामी कबाब बनाने के लिए। तो ये चिकन है और इस चिकन को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर ली हूँ और इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने रख दी हूँ फ्राई पिन। इसके अंदर तेल है, तेल हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन डालने के बाद मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी। पता है ना क्यों? पता है ना आप लोगों को? क्योंकि चिकन अच्छे से हो जाए इसके लिए गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे पकते रहें, तब तक के हम अपना आगे का दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये चिकन हो चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये बिना पानी के हम मिर्ची पीस लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची चाहिए हमें। तो मिर्ची पीसने के बाद इसी मिक्सी जार में हम चिकन को भी पीस लेंगे। तो ये चिकन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो इसमें हमें वेजिटेबल चाहिए, आलू, ये मैंने थोड़े से नमक डाल के इसको बॉईल कर ली थी, और ये बीन्स है, इसको हम छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लेंगे, और ये गाजर है, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने बीन्स को ऐसे बारीक बारीक कट कर ली हूँ और गाजर को ग्रेट कर ली हूँ और आलू को ऐसे मैश कर ली हूँ। तो जिस पैन में मैंने चिकन फ्राई करी थी उसी में थोड़ा तेल डाल दूँगी मैं। तो ये तेल हो चुका है, इसमें मैं पहले बीन्स डाल के थोड़ा नरम कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं गाजर ऐड करूँगी। तो ये बीन्स को 2 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम गाजर मिला देंगे और इसे भी 2 मिनट पका लेंगे ताकि गाजर भी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो चुका है, गाजर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करूँगी, जितना तीखा चाहिए आप लोग उसके हिसाब से। तो मिर्ची डाल के पकाते हुए हमें इसे 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन हाथ से भी पीस करके डालते हैं, पर ये इस तरह से मिक्सर में पीस कर डालने से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं इसी तरह पीस कर डालती हूँ। आप लोग भी इसे एक बार ऐसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह हम इसमें सारे वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे। तो चिकन भी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू मिक्स करने के बाद इसमें हम इसी स्टेज पे अब नमक ऐड करेंगे। आप लोग याद रखें कि चिकन में भी हमने नमक डाला है और आलूओं में भी, तो हम उसके हिसाब से नमक डालेंगे। फिर नमक बाद में कम होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे। नमक डाल के हमें इसको मिक्स करके ठंडा करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। तो इस तरह से मैंने इसके बॉल्स बना ली हूँ और इस तरह से हम इसको प्रेशर दे के चपटा कर लेंगे। तो ये इस तरह से, और ये एक अंडा ले ली हूँ मैंने, इसमें थोड़ा सी नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें इसके लिए चाहिए सेवई, तो ये इस तरह से मैंने इसको छोटा छोटा कर ली हूँ। तो ये हम अंडा फेंट लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर ली हूँ, अब इसको हम अंडे में इस तरह से कोट करेंगे और फिर सेवई में कोट करके सारे हम कबाब तैयार कर लेंगे। इसकी ना खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है, ये सबको मेरे घर में तो बहुत पसंद है। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये शामी कबाब कैसे लगे। तो इस तरह से हम इसको हाथ से प्रेस कर देंगे तो इसमें सेवइयाँ अच्छे से सेट हो जाती है। तो इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये सारे कबाब मैंने बना ली हूँ। इसको चिकन को ना मिक्सर में पीस के डालने से क्या होता है, जब हम इसके कबाब बनाते हैं तो ब्रेक नहीं होते हैं कबाब, तो इसीलिए मैं मिक्सर में पीस कर इसको डालती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो हाथ से रेशे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो दोनों तरह से गोश्त चलते हैं, चाहे हाथ से रेशे करके डालें चाहे मिक्सर में पीस के डालें। तो ये मैंने फ्राई पैन रख दी हूँ गैस पर, इसमें तेल ऐड कर दी हूँ और ये तेल हो चुका है, इसमें अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे।
तो कबाब में सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हम इसे एक मिनट के बाद इस तरह से टर्न कर देंगे। तो ये एक तरफ से हो चुके हैं, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो एक मिनट हो चुका है, तो ये सारे कबाब तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे चिकन शामी कबाब तैयार है बनकर खाने के लिए। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और इसे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, और आप लोग भी इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।